जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। थीसियस, एथेंस राज्य का राजा, शादी करने जा रहा था। उसकी दुल्हन थी फीड्रा, एक यंग ब्यूटीफुल लड़की जिसकी खूबसूरती के मिसाल की तुलना लोग एफ्रोडाइट यानी प्रेम और सौंदर्य की देवी के साथ करते थे। वहीं दूसरी तरफ थीसियस का बेटा भी था, जो थीसियस की पहली पत्नी हिप्पोलाइट का बेटा था, जिसका नाम था हिप्पोलिटस। थीसियस के राज्य में खुशियां छाई हुई थी, सभी जश्न की तैयारी कर रहे थे। वही बात चल रही थी कि थीसियस और राजकुमारी फीड्रा के बीच उम्र का अंतराल बहुत ज्यादा है, ये तक कि राजकुमारी उसके बेटे हिप्पोलिटस के उम्र की है। थीसियस वृद्ध है और राजकुमारी फीड्रा जवान, उनकी ये जोड़ी बेमेल है। वही दूसरी तरफ हिप्पोलिटस, जिसने उम्र भर ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, वो देवी एफ्रोडाइट और एथीना के लिए समर्पित था। हिप्पोलिटस की सेवा और आस्था से देवी एफ्रोडाइट बेहद खुश रही थी, पर वही उसके पिता द्वारा उसकी माँ का धोखा देने और दूसरी शादी करने की बात से वो बहुत ज्यादा नाराज था। इसीलिए एफ्रोडाइट ने ऐसा किया कि फीड्रा हिप्पोलिटस के प्यार में पड़ गई। थीसियस और फीड्रा की शादी हो गई, पर जैसे ही फीड्रा की नजर अपने सौतेले बेटे हिप्पोलिटस पर पड़ी, वो उससे प्यार करने लग गई। हिप्पोलिटस इन सारी बातों से अनजान था। वही फीड्रा हिप्पोलिटस से अपने प्यार का इजहार करने के लिए, उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। एक दिन जब थीसियस राज्य से बाहर गया, तभी फीड्रा को हिप्पोलिटस से मिलने और अपने प्यार का इजहार करने का सही मौका मिल गया। उसने हिप्पोलिटस को अपने पास बुलाया और अपने प्यार का उससे इजहार किया, पर हिप्पोलिटस अपने पिता के प्रति समर्पित था। उल्टा वो फीड्रा के बर्ताव से अवाक रह गया और फीड्रा के प्रपोजल को ठुकरा कर वहां से भाग निकला। फीड्रा अपने प्यार के ठुकराए जाने से इतनी दुखी हुई कि उसने अपनी जान ही ले ली, पर मरते मरते उसने अपने पति थीसियस के लिए एक चिट्ठी छोड़ी। उस चिट्ठी में लिखा था कि हिप्पोलिटस ने थीसियस की गैर मौजूदगी में फीड्रा का फायदा उठाने की कोशिश की थी और शर्म और रुसवाई के डर से उसने अपनी जान ले ली है। थीसियस हिप्पोलिटस को बुलाता है और उसे चिट्ठी दिखाते हुए उस पर फीड्रा की मौत और उसके साथ विश्वासघात करने का इल्जाम लगा देता है। हिप्पोलिटस इन सभी इल्जामों को नकारता है और उसे असली बात बताता है, पर उल्टा उसके पिता थीसियस उसी पर ज्यादा गुस्सा करते हैं, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार भी करते हैं, इसीलिए वो हिप्पोलिटस को कोई भी दंड नहीं देते, बल्कि उल्टा अपने पिता पोसाइडन से हिप्पोलिटस की जान लेने को कहते हैं। हिप्पोलिटस, जो इन सभी बातों से हैरान और परेशान था, वो चैरियट पर बैठ राज्य से जा चुका था। तभी खबर आती है कि उसकी दुर्घटना हो चुकी है और वो बुरी तरह से घायल है। ये सब तमाशा राजमहल का वो सेवक भी देख रहा था जो फीड्रा का खास था और उसे फीड्रा के प्रेम संबंध के बारे में पता था। वो जल्द ही थीसियस के पास पहुंचता है और फूट फूट कर सारी कहानी का वृतांत बताता है। थीसियस अब सब कुछ समझ चुका था। वो अपने घायल बेटे हिप्पोलिटस से मिलने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। थीसियस अपनी बीवी और अपना बेटा दोनों खो चुका था। अंत में किसी को भी अपना प्यार नहीं मिला। इससे हम ये सीख मिलती है कि प्रेम कितना खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए इस प्रेम को तुच्छ या नकारने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी है कुछ कुछ होता है टू की, लव, लॉस, ग्रीफ और प्यार की खट्टी मीठी कहानी, प्यार के लिए हर हद को पार कर जाने की कहानी, प्यार में खुद को कुर्बान कर देने की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर करण जौहर लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए आपको कुछ कुछ होता है टू की ये प्रोबेबल कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।